गोली बुलती हाँ फलाने नहीं आओ ढकानो ना आओ तो पांच लौंडा छूटती आओ तो एक जो हाथ पकड़ती एक जो पकड़ती एक टांगे पकड़ती टांगिया के ले जाती मारे डरन के मारे आप घंटा गोल करते हाँ। और फिर स्कूल में जाके क्या होता था फिर वो फिर लगा डंडा हाँ। हमें गुस्सा लगी सो हाँ। हमने दही खोपड़ी में पट दिया से अच्छा ढूंढा ठटोली अम्मा गई हाँ। सो मैं गुस्सा उड़ा के डलवा में डाल लू अच्छा बोले अरे तक भूत है हाँ। हमने की अम्मा हम लड़ा है तुम्हारी रेलवे की नौकरी छोड़ गई यार रेलवे में नौकरी भी करते थे जैसे स्टेशन मास्टर बटन दबाती सो हमने की हेलो बोले कौन बोल रहे मुलू हमने की मुलू वाटरमैन बोल रहे हाँ। पहले पानी वाले के वाटरमैन हेलो नमस्कार हाँ। साथियों मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल वेबर्ड पर। तो साथियों हमेशा की तरह आपके बीच में नई नई जानकारी के साथ में जो अपडेट आपको हम करते रहते हैं उसी तरह की आज मैं एक खास जानकारी के साथ में आपके बीच में आया हूँ। तो निरंतर चैनल पर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें जिससे इसी प्रकार से आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं उस शख्स से जिनसे हमारी बात हुई और हमें काफ़ी जानकारी मिली और मैं भी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को उन सारी जानकारियों से अवगत कराने वाला हूं। तो निरंतर वीडियो पर बने रहें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बहुत ही आपको जानकारी मिलने वाली है कि आज से समथिंग 50 वर्ष पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किस टाइप की थी और किस प्रकार से लोग अध्ययन किया करते थे और किस प्रकार से स्कूल छोड़ दिया करते थे क्लासेस वगैरह है इनके गांव देहात की भाषा में बोलते हैं उसको घंटा गोल करना तो किस प्रकार से जो लोग हुआ करते थे उस समय जो विद्यार्थी हुआ करते थे किस प्रकार से घंटा गोल करते थे और तो टीचरों का क्या व्यवहार रहता था वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो निरंतर वीडियो पर बने रहें चलिए चलते हैं आगे। तो हमारे सामने जो मौजूद हैं वो आज से समथिंग 50 वर्ष पहले एक विद्यार्थी थे और वो आज बताएंगे कि किस प्रकार से जो शिक्षा व्यवस्था थी किस प्रकार से थी किस प्रकार स्कूल जाया करते थे किस प्रकार से घंटा गोल किया करते थे किस प्रकार से इनको पनिशमेंट किया जाता था टीचरों के माध्यम से टीचरों के द्वारा अध्यापकों के द्वारा तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना पहले परिचय बता दें अपना नाम और अपना गाँव का नाम। हमारा नाम मुलू कुशवाहा मुलू कुशवाहा आटा ग्राम आटा जनपद जालौन। तो चलिए तो आप बताएं कि उस समय जब आप छोटे थे तो उस समय किस प्रकार की पढ़ाई होती थी पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती थी वो सारी चीज़ों से अवगत कराएं। एक बोर का मिलता था बोर का वो तांगत वालू जो एक में कड़िया हाँ और एक में खड़ी अच्छा एक में जो काला जो होता था वो कारोच होती थी वो कारोच तबावा की वो लंपनी जगत थी हाँ पहले उसकी जो है करके पट्टी पोतक थी अच्छा हाँ और फिर पोत के फिर घुट्टा चलाउती अच्छा फिर कलम बनाउ जो घुट्टा कैसे करते थे वो कांच की शीशी से शीशी पिछाऊ की तोड़ ली जाए अच्छा फिर उसके घोटक थी घोट के ये मास्टर बहुत मारत थी मान के चलो गद्दी छो तो डरन के मारे हम जो मंदिर नहीं है बाजार में उसमें अपने बोरी ले लेते उधर लिखती थी अच्छा तो बोली बुलती भलाने नहीं आओ ढकानो ना आओ तो पांच लौंडा छूटती आओ तो एक जो हाथ पकड़ती एक जो पकड़ती एक टांगे पकड़ती टंगिया के ले जाती पांच लोगों के वो बोर का पट्टी और वो जो सामान चार हमें टांगती हाँ। पांचों सामान ले जाते अच्छा तो पांच लड़के आते थे पांच लड़के तो आप अकेला घंटा गोल करते थे कि आपके और भी मतलब नहीं हम ही करते डरन के मारे आप घंटा गोल करते और फिर स्कूल में जाके क्या होता था फिर लगा डंडा हाँ। हमें गुस्सा लगी सो हाँ। हमने दही खोपड़ी में पट्टी दही है ना बैठी हमने बस्ता बोर का सब छोड़ छाड़ के घर भाग आई अच्छा फिर हम भसौरा में दुख गई अच्छा दो दिन दुखी रही भूखी प्यासी अच्छा ढूंढा ठटोली अम्मा गई सो मैं भसौरा के डरवा में डाल लू अच्छा बोले अरे तक जब भूत है हमने की अम्मा हम लला है तुम्हारी भोजते बोले काका रो लला हम गैया चलो अच्छा तो इनके संगे गैया चला हाँ किनके साथ में बाबूलाल की अच्छा इनके साथ में आप भी पढ़ते थे क्या साथ में ना। आप पढ़ नहीं गए ये कहानी अच्छा और स्कूल में आपको बैठने के लिए क्या मिलता था बेंच मिलती थी या कुछ नहीं मिला तो अपनी पट्टी ले जाते
अपनी स्कूल की तरफ से नहीं मिलती थी? ना ना ना, ना। अच्छा, बड़े लोगों के मिलती थी हम लोग। बड़े लोग मतलब ब्राह्मण लोग? ब्राह्मण लोगों को, बनिया लोगों, ब्राह्मण बनिया ठाकुर को है। अच्छा, हम लोगों के नहीं मिलते। तो ओबीसी कुशवाहों को नहीं मिलती थी? ना ना, चमारन के ना, कुशवाहन के ना, कोरी के, गड़रियन को, यादों को, गड़रियन के ना, यादों को, अपनी अपनी ले जाती, सब अपनी अपनी ले जाती, सब अपनी अपनी। अच्छा, तो ये आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप अपने आप अपनी अपनी आप बीती है आपकी? हमारी बीती है। अच्छा, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, और जो ब्राह्मण बनिया होते थे उनको पट्टी मिलती थी स्कूल की तरफ से? बामन ज्यादा पढ़ा मामन। और जो अध्यापक वगैरह होते थे वो किस बिरादरी को हुआ करते थे? पंडित, सब ब्राह्मण हुआ करते थे। हाँ, और सभी लोगों को ज्यादा पढ़ाते, ब्राह्मणों को ज्यादा पढ़ाते थे। उन्हें मारा था, हम छोटी जात के, उन्हें आगे बैठा रहते। अच्छा, अच्छा, छोटी जो बिरादरी होती थी, मतलब ओबीसी एससी वाले जो लोग हैं, काछी हैं, पाल हैं, गड़रिया हैं, यादव हैं, उनको ज्यादा मारते पीटते थे? अच्छा, सारे आम है ना। नहीं तो, अच्छा, वो आम है ना, इसलिए नहीं मारते थे क्योंकि मोटी बुद्धि के थे, उनको कम समझ में आता था? ना ना ना। अच्छा, जी आम है ना, पढ़े ना, शिक्षित ना हो। अच्छा, शिक्षित ना हो इसलिए मारते थे। तो आप जो बात कह रहे हैं ऐसा तो नहीं किसी के दबाव में कह रहे हो? दबाव मुंह पे कह दे, जो हमारे संग पढ़ते कह दे, तुम्हारी बात अलग नहीं पड़ी। अच्छा, मुंह पे कह दे, अब हम कह दे। अच्छा, सामने कह दे यार जन। अच्छा, हाँ, दबा से कर, दबो खाद के बिजला तो लाओ। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अब आप, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले दोबारा, तो आप दोबारा से पढ़ेंगे? तो आप ही का हम मरगटिया कुका दे रहे आपका पढ़। आपकी कभी इच्छा नहीं करती कि हम भी दोबारा से पढ़ने? रेलवे की नौकरी छोड़ गई यार। रेलवे में नौकरी भी करते थे? हाँ हाँ, एक महीना रह गई तो परमानेंट हो गई। हाँ, डाक गाड़ी छिड़किया कट गई। हाँ, भाई जी बोली हम तुम्हें काट दे। हाँ, छोर से बताए। हाँ, स्टेशन मास्टर हम गोला वोला सब निकाल लेते, जो सुक्कन हती हम एक रेस्ट देते, फाटक लगाओ तो भेज देती। तो स्टेशन मास्टर बोले कि जो गाड़ी बेलो कर लो जा आ रही है। तो हमने तीन बेर ऐसी करे तो उड़ी, और चार बेर ही करे तो टन टन बोला थी काल्पी कर लेती। अच्छा, पहले गद्दी चलती। अच्छा, गद्दी से सिग्नल दिया जाता होगा? ना ना ना, घंटी। घंटी? हाँ। तो हमने जब गाड़ी ब्लॉक करी मुझे चले गए चाय पीने। आओ, तो वो कंट्रोलर पहले कड़वा सो जाएगा। आओ, तो वो हमने की दूसरी की सबसे बात कर ली, हम ए से बात करें। हाँ, तो जैसे स्टेशन मास्टर बटन दबाव थी। हाँ, तो हमने हेलो। हाँ, बोले कौन बोल रहे हैं? मुलू, हमने की मुलू वाटरमैन बोल रहे हैं। हाँ, पहले पानी वाले के वाटरमैन का। हाँ, बोले रख दे फोन। हमने कहा भोसड़ी तुम्हारा फोन है का? बाप को है का? हाँ, बात करो हमसे। हाँ, बोले हम आके हमने वो खा लिया भाट। हाँ, वे बोल रहे थे झांसी से तियाई साहब। हाँ, बोले अभी आते हम चले आओ। हाँ, तियाई साहब ने पहले गाड़ी चलती। हाँ, रेल की। हाँ, वो आ गए। हाँ, धक्का वाली गाड़ी चलती थी? ना ना ना। और मशीन इंजन, इंजन वाली? हाँ, मजे को इंजन धरू रात। हाँ, आ गो। अच्छा, टीआई साहब। हाँ, पंडित रहा। अच्छा अच्छा, ब्राह्मण था? ब्राह्मण। हाँ, सो हमने एक गिलास लो। हाँ, पट पानी दो। हाँ, पानी बोले अगर बाद में पानी पियेंगे। हाँ, अगर गाड़ी कौन देता था? हाँ, पट हमने पाँच छुपी। हाँ, उनकी हो गई गुस्सा शांत। हाँ, हमने साहब हम। अच्छा, पैर चूने से ब्राह्मण खुश हो जाता है। हाँ, करके हाथी से हमने की साहब। हाँ, सुबिन ने पीठ ठोंकी। हाँ, बोले अब तुम्हें परमन उनने काट बनाओ। हाँ, मौत ठोंकी। हाँ, स्टेशन मास्टर ने मौत ठोंकी। हाँ, और श्रीवास्तव ने मौत ठोंकी। हाँ, और दुबे जी ने मौत ठोंकी। हाँ, और एक महीना बाद तुम। हाँ, भीमसेन परमानेंट कर। भोर पे छिड़किया कट गई। भाई जी बोली कहने लगी पढ़े लिखे तो आते ही ना। भाई जी बोली कहने लगी हम तुम्हें काट डाल हम वहीं पर सुना वो मैं खट गया धर दे हम कट गया वो सब दे। भाई जी कौन था? पंडित हसी। भाई जी मतलब बाबूजी घर से स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर के घर से थी? हाँ, बछड़िया दो किलो दूध देती। अच्छा, दो किलो दूध देती थी वो बकरिया पाल रखी थी उन्होंने? पाल रख वही स्टेशन में। हम चराउते। अच्छा, उबा बकरिया को आप चराते थे? हम चराउते सुबह गाल बच गए हम उमर से। हाँ, पांच महलो बोले भाग जाओ बहन मर जान दी। अच्छा, कनक हम हटे। हाँ,
ट्रेन में अच्छा कर गई अब हमने गई भैंस ऐसी हम कहूँ भीमसेन पहुँच गए स्टेशन मास्टर ने कहूँ और बकरियां पारी कटी कटे चली जाए वो काट लो हमने फाड़ एक महीना फाड़ बुआ को अब काट मांगू तो पढ़ी लिखी तो होती ना कोनो को ले जाती जासी पर बनवा ली थी ऐसी बनो अपनी छूटी नहीं अब लोग रिटायर हो जाते रिटायर हो जाते कर्म में बड़ी बड़ी मतलब लगी लगाई नौकरी चली गई आपकी उन्हें पढ़ा लो तो तस्कर हाँ जैसे गाड़ी लम्बर लेकिन हमने कही बताओ एक दो तीन हम एक दो तीन स्टेशन मास्टर अपने बात पर चढ़ा ली हिंदी में कालपी से बाबू से पहुँच गए कह दिए हमें वो बनाओ जब बनाया अच्छा वन टू थ्री ना बताओ हाँ आज आप आदमी बन जाते हम लोग कई लाख रुपए तो मिलता आपको रिटायरमेंट पे हैं पेंशन अलग मिलती हाँ जलवे होते आपके कर्म में बदी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही अलग है तो कुछ अच्छे अधिकारी भी थे हैं स्टेशन मास्टर की मिसेज थी भाई जी हैं मैडम थी अच्छा भाई जी की जो बकरी थी भैंस राख है तू सब राख है तू वो खिन्नी लाल और सुक्कन गोबर फेंकर थे अच्छा दो लोग और लगे थे सरकारी आदमी गोबर डालो सफाई करने वाले रहते गोबर झाड़त अच्छा वो परमानेंट थे परमानेंट थे सुक्कन थे और दो दो रात अच्छा अच्छा वो कहाँ के थे चौरा को एक आटे को वो तो सक्कर है अच्छा बनो जिंदगी गुजार तो आटे में यही यही आप करते रहे हाँ आटे में पानी वाले में काम करे अच्छा। 3 साल करीब 90 रुपये महीना अच्छा कौन सी सन की बात है सन 70 में हाँ। यानी कि 30-20-50 50 साल पहले हाँ। तो यानी कि जब भाई नहीं आते बहुत पुरानी बात हो गई हाँ, 70 की बात तब हम 50 साल के ऊपर 16 साल के तब आप 16 साल के थे काफ़ी कम उम्र में आप कितनी उम्र हो गई आपको 22 साल हम ब्याह भाव 16 में ब्याह कर लो तो सन 70 में हाँ तो 16 साल में हो गए 3 साल में हाँ 3 साल में कौन हो भाव कौन हो बाद में भाव मैंने 19 साल में भाव तो कौन हो ऐसा है आजकल किस्मत की बात है चलिए बहुत बहुत लगाई थी हाँ नत्थू कुशवाहा ने बैटमैन अच्छा जी बैटमैन थे अच्छा सिग्नल डालते थे जी परमानेंट थे अच्छा अच्छा चलिए तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से आप प्रसन्न और खुश एवं मस्त बने रहें और पूरे जीवन इसी तरह आप मुस्कराते रहें।